देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई है। कल कोरोना के 2528 केस दर्ज किए गए थे और 149 लोगों की मौत हुई थी। जानिए देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 4722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 516352 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 181 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 5,84,177 डोज दी गई हैं, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 181,04,96,924 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती खुराक लगाई गई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।